यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ये तस्वीर देख के आप समझ जाएंगे कि मैं कहने क्या वाला हूँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं पता लगेगा जब तक मैं पूरा नहीं बोल लूंगा। शीर्षक ऐसा क्यों दिया वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार, मैं प्रकाश ललित। वो दौर याद है आपको, 2011 अप्रैल का, अप्रैल से अगस्त तक का दौर, जंतर मंतर, दिल्ली की सड़कें और वो पूरा माहौल, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश अन्ना। और उसके पीछे, उस भीड़ के पीछे दूर आपको एक छोटा सा पतला सा आदमी खड़ा मिलता था जो तिरंगा लहराता था। तिरंगे के साथ एक आदमी को हमने लगातार देखा उन दिनों, वो थे अरविंद केजरीवाल, एक IRS ऑफिसर, एक IITian जो इस आंदोलन से जुड़ा। अन्ना का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, या कह दीजिए अन्ना का की छाया, प्रतिछाया, जिसको हमने अन्ना के साथ देखा। पूरा का पूरा वो जन लोकपाल का आंदोलन, ऐसा लगता था कि दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर की सड़कों पे आम आदमी, हमारे आपके जैसे, जिसके तमाम सरोकार हैं, सरकार से सवाल हैं, वो सब लोग एक जगह जुटे और सबका एक सवाल था कि हमें जन लोकपाल चाहिए। कई बार होता था कि उस भीड़ में किसी को शायद ये भी पता नहीं था कि ये जन लोकपाल हम मान क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, लेकिन एक भरोसा था, एक विश्वास था जो सामने स्टेज पे हमें दिखता था। वो अन्ना हजारे थे, उसके साथ की और भी लोग, जिनमें किरण बेदी थी, जिनमें स्वयं अरविंद केजरीवाल थे, योगेंद्र यादव थे, संजय सिंह थे, कुछ ऐसे चेहरे जो पहली बार ऐसे मंच पे दिखाई दे रहे थे, जो ये कह रहे थे सवाल सरकार से पूछा जा सकता है। एक ऐसी भी संस्था हो सकती है जो प्रधानमंत्री से ऊपर हो सकती है, एक ऐसी संस्था हो सकती है जो हर किसी से सवाल करने के साथ उसको सजा भी दे सकती है। ये बिल्कुल नया था और नए लड़कों के लिए, नए छात्रों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, आम लोग, आम किसान, उनको अपने घरों में लगता था एक नई उम्मीद की किरण है। इस आंदोलन से हर आदमी खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। और देखिए, हमने, आपने किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, किसी ने भी JP मोमेंट में क्या हुआ नहीं देखी, वो हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है कि हमने JP का आंदोलन, आप पढ़ लीजिए, आप जवाहरलाल नेहरू का संघर्ष पढ़ लीजिए, आप बापू का असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लीजिए, बापू का नारा पढ़ लीजिए, करो या मरो। लेकिन दिल्ली की सड़कों पे 2011 अप्रैल का वो महीना हमने इतिहास बनते हुए देखा, वो लिखा जाना है, आगे जब भी हमारी पीढ़ियां आएंगी तो वो पढ़ा जाना है कि 2011 अप्रैल के महीने में हो क्या रहा था दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पे। संसद में उसको लेकर चर्चा हो रही है, एक बूढ़ा आदमी जो देश में जन लोकपाल की मांग को लेकर बैठा है और नारे तमाम वही कि अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, हम जैसे युवा, आप जैसे युवा। मैं भी खुद वहां मौजूद था, उस आंदोलन में कई बार गया, लेकिन पता नहीं उस आंदोलन का स्वरूप एकदम से कैसे लगातार बदलता चला गया। दिन जैसे जैसे बढ़ते चले गए, आंदोलन ऐसा हो गया कि कभी एक दिन का सांकेतिक अनशन हो रहा है, कभी दो दिन का अनशन हो रहा है। इतना कंफ्यूजन के बीच लोगों को बुलाया जाता था दिल्ली जंतर मंतर, वो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी, लोगों में थकान आने लगी। देखिए, राजनीति का एक अपना तरीका होता है और राजनेता इस देश में आंदोलनों को कैसे हैंडल करते रहे हैं वो आप इस पूरे आंदोलन से समझ सकते हैं, जब आप वो पूरा माहौल देखेंगे, उस समय के माहौल में आप फिर से जाएंगे। मुझे जब वो चीजें याद आती हैं तो मुझे लगता है कि शायद वहां पे अन्ना को थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत थी। लेकिन उन सब के बीच एक उम्मीद की किरण आती है 2 अक्टूबर 2012 में। अरविंद केजरीवाल, जो उस आंदोलन का हिस्सा रहे, सक्रिय हिस्सा रहे, और उनकी 20 से ज्यादा लोगों की टीम, वो टीम कहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी करेंगे हम, इस आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल देंगे। बहुत लोगों को ये उस समय बहुत बुरा लगा कि या एक आंदोलन की हत्या करके एक राजनीतिक पार्टी बनाने की बात अरविंद बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम जैसे कुछ लोग थे और भी लोग थे जो तमाम उस देश, इस देश के लोग थे, दिल्ली में रहने वाले लोग थे, जिनको लगता था नहीं, अगर आंदोलन से रास्ता नहीं निकल रहा है तो एक राजनीतिक पार्टी ही सही। और नवंबर में 2012 में अरविंद एक पार्टी का निर्माण करते हैं और नाम होता है आम आदमी पार्टी, और उस आम आदमी पार्टी के संयोजक बनते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद जो बातें करते थे उसमें आम जन सरोकार की बातें थी, बिजली, पानी, सड़क, आम लोगों की जरूरत की बातें थी। वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो बात करते थे कि जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको जेल में डाल देंगे, वो तमाम सरकारों के खिलाफ जांच कमेटी बनाने की बात करते थे और ये कहते थे उनको सजा जन लोकपाल देगा।
ऐसी कहानियों के बीच दिल्ली में जो कुछ हो रहा था वो बहुत मतलब अंदर से एक तरह से नई उम्मीद की किरण जगाने वाला था। जो कुछ अरविंद बोलते थे, अरविंद खुद बिजली के पोल पर चढ़ जाते थे और गरीब के कनेक्शन को जोड़ते थे, खुद जोड़ते थे। वही अरविंद जिसको किसी ने सोचा नहीं था, एक नई नवेली पार्टी दिसंबर 2013 में दिल्ली के 70 विधानसभा में से 28 सीटें जीत के चली आती है। दिल्ली की दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी 32 सीट और आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीतती है। लेकिन उसी पूरे राजनीतिक आंदोलन, जिस पार्टी को आंदोलन का नाम अरविंद ने दिया, उसी आंदोलन के दौरान अरविंद ने कुछ वादे किए थे। उनमें ये वादे थे कि अगर हम सरकार में आते हैं या हमारी कम सीटें रहती हैं, हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। चुनाव बाद नतीजे जो आते हैं उसके बाद अरविंद कांग्रेस के साथ भी जाते हैं। 49 दिन के बाद सरकार गिर भी जाती है, जो जन लोकपाल बिल वो विधानसभा में पास कराने और चाहते हैं उसे दिल्ली के गवर्नर की मंजूरी नहीं होती है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां विरोध करती हैं और 49 दिनों के बाद सरकार गिर जाती है। फिर से चुनाव में जाने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद फिर 2015 में 2 साल के संघर्ष के बाद चुन के जाते हैं। 70 में से 67 सीटें जनता उनको चुन के देती है। आंदोलनों से निकलने वाली पार्टियों का हाल आप देख रहे हैं। आंदोलन से निकले हैं मुलायम सिंह यादव, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं नीतीश कुमार, आंदोलन से निकले हुए नेता हैं लालू प्रसाद यादव, और आंदोलन की ही पैदाइश है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की हालत आप देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र किसी सरकार के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। अरविंद पे ये तमाम आरोप लगातार लगते रहे और उनके साथ के लोग लगाते रहे। सबसे पहला नाम मुझे याद आता है विनोद कुमार बिन्नी, लक्ष्मी नगर के जो विधायक, उन्होंने शाजिया इल्मी, उसके बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जिस तरह से निकाला गया, जिस तरीके से और भी लोगों को वहां से निकाला गया, वो चाहे मयंक गांधी हो, अंजलि दमानिया हो, ये तमाम वो नाम थे जो इस पार्टी का हिस्सा थे, जो इस पूरे आंदोलन का हिस्सा थे। और आज की कहानी देखिए ना, अरविंद क्या बातें करते थे कि जनमत संग्रह करेंगे, लोगों से पूछेंगे। 3 राज्यसभा के टिकट जो उन लोगों को दी गई है, वो लोग कौन है? 2 व्यवसायी हैं और 1 है संजय सिंह, खुद आम आदमी पार्टी के। तो जिस लोकतंत्र की बात अरविंद लगातार करते रहे, वो लोकतंत्र कहां है? अरविंद के लिए मुझे जो सबसे बुरा बात लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए, वो ये कि इस देश में वो ये कहकर आए कि वो और पार्टियों से अलग हैं। इस देश की जनता, आम आदमी, वो बीजेपी और कांग्रेस को बहुत अलग नहीं समझता है। उसने एक पार्टी में एक उम्मीद की किरण देखी थी जो आंदोलन से बाहर आई थी, उसने उस आंदोलन का गला घोंट दिया। जो राजनीतिक आंदोलन की बात वो कर रहे थे, नीली वैगनार कार वो दिल्ली की सड़कों पे कभी भी निकल जाया करते थे, आम लोगों के बीच अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। अब अरविंद मिलते हैं क्या आपसे? अरविंद ने बड़ी गाड़ी भी ले ली, अरविंद ने कहा था मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, अरविंद ने बड़ा घर भी ले लिया, अरविंद ने वो सब कुछ किया जो एक नेता करता रहा है इस देश में। अरविंद लड़ाई लड़ रहे हैं, अरविंद वो सब कुछ मानते हैं जो उनके लिए सही होता है, और जो कोई भी उनके विपक्ष में कुछ बोलता है तो वो संवैधानिक संस्थाओं से लेकर सबको गलत ठहरा देते हैं। इस देश में ये पहला मौका है, और मुझे लगता है इतना एग्रेसिव होके कोई पहला पॉलिटिकल लीडर है, कोई पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव आयोग को गलत बता सकती है, जो किसी कोर्ट के भी फैसलों को कल को गलत बता सकती है, राष्ट्रपति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपके अभी अभी 20 विधायक गए हैं, क्यों गए हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आपने क्या कहा था प्रणब मुखर्जी को कि आप इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हटा दीजिए? हाँ, वहां एक याचिका दी आपने कि आपको आप इस मामले को हटा दीजिए। आप राष्ट्रपति पे सवाल कर रहे हैं, आपने किसी भी तरह के किसी उस तरह संस्था से लेकर किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिसने आप पे सवाल उठाया। अरविंद, ये देश है ना, याददाश्त बहुत अच्छी है इस देश की। आप एक आंदोलन से निकले हुए थे, लोग आपको अब तक क्रांतिकारी ही समझ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में आने वाले दिनों में आंदोलनों का भविष्य आपने खत्म कर दिया। आपने एक रास्ता दे दिया राजनेताओं को कि हम जैसा एक आम आदमी का अगर रोड पे बैठेगा ना, तो उसको पता होगा नेता क्या कहेगा, जानते हैं? नेता कहेगा रहने दो, अपने आप उठ जाएगा, और नहीं उठेगा तो कोई और अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। जो आप कर रहे हैं ना, वो तो जो खूंखार नेता थे, जो करप्ट थे, जो बेकार थे, जो नेता थे, आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उनसे आगे निकल गए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी।